हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। आपकी भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं और मैं 10th क्लास की आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। जैसे सिलेबस पिछली बार था वैसे ही इस बार का भी है। प्रोज है, पोएट्री है, सप्लीमेंट्री है और ग्रामर है। तो मैं आज आपको प्रोज से स्टार्ट करूँगी। प्रोज का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी, एन्चेंटेड पूल। एन्चेंटेड पूल का मतलब है एक जादुई तालाब। ये महाभारत की महाभारत से लिया गया है और इसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी। ये राजगोपालाचारी जो हैं, एक इनको राजा जी कह के भी बुलाते थे। ये एक राइटर हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, लॉयर हैं और एक पॉलिटिशियन भी हैं। स्वतंत्र पार्टी की ये फाउंडर भी हैं। देश का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न, सबसे पहले इन्हीं को प्राप्त हुआ था और ये द एन्चेंटेड पूल इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी इस लेसन की समरी बता देती हूँ। ये महाभारत की घटना पर आधारित है। आप देखिए, दिस लेसन इज एन एग्जैक्ट फॉर्म द महाभारत। इट रिफ्लेक्ट्स द करेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। यह महाभारत से लिया गया है और ये युधिष्ठिर की विशेषताओं को, उनके चरित्र पर प्रभाव के विषय में बताता है। द धर्मराज, युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता है। एक यक्ष रहता है जो युधिष्ठिर की धैर्य की, उनकी बुद्धिमत्ता की, उनकी सत्य की परीक्षा लेने के लिए उपस्थित, यक्ष के रूप में यमराज उपस्थित होते हैं और वो उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। द यक्ष वाज प्लेस्ड विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी। जो यक्ष होता है वो युधिष्ठिर की निष्पक्षता से प्रसन्न हो जाता है और संतुष्ट होकर सारे प्रश्नों के आंसर सुनकर वह डिसअपीयर हो जाता है। अब देखिए, मैं इस लेसन की शुरुआत करती हूँ। अगर आप लोगों के पास बुक है तो प्लीज़ आप फर्स्ट चैप्टर प्रोज का खोल लें। अगर बुक नहीं है तो आप मेरे को सुनें, आपको समरी समझ में आएगी, जिससे आपको क्वेश्चंस वगैरह करने में आसानी रहेगी। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर चिंतित होकर प्यासे भाइयों की इंतजार करते रहे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और आर दे स्टिल वांडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। क्या तो उनको कोई किसी शाप से ग्रस्त हो गए या वह अभी तक पानी की खोज में जंगल में घूम रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्रिवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट। इस तरह से वो सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि शायद वो अपनी प्यास पर, या तो अपनी प्यास पर वो कंट्रोल नहीं कर पाए, अपनी अत्यधिक प्यासे होने के कारण वो मूर्छित हो गए या उनकी डेथ हो गई। इस तरह के विचार उनके युधिष्ठिर के दिमाग में आ रहे हैं। ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर एंड द पूल, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने उनका इंतज़ार करना छोड़ दिया और वह बाहर निकल के आए लुक फॉर हिज ब्रदर, अपने भाइयों को खोजने के लिए और उस तालाब को खोजने के लिए दैट माइट फाइंड देम, जिसको वह प्राप्त कर सकते हैं। अपने भाइयों को और तालाब को खोजने के लिए वह बाहर निकल के आए। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर। युधिष्ठिर उसी
युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग. युधिष्ठिर उसी डायरेक्शन में गए जिस डायरेक्शन में उनके भाई गए थे. एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स. जंगल जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो जंगल जंगली भालुओं, चित्तीदार हिरन और बहुत मात्रा में जंगली चिड़ियों से भरा हुआ था. ही केम अपॉन अ ब्यूटिफुल ग्रीन मेडो. इसके पश्चात वह एक सुंदर हरे भरे मैदान में पहुँचे. अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, जिसके बीच में एक स्वच्छ पानी का तालाब था. बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके सभी भाई एक फ्लैग पोल की तरह, एक लट्ठे की तरह वहाँ पर पड़े हुए हैं, अनेबल टू रिस्टेंड हिज ग्रीफ, तो उनके दुख का ठिकाना न रहा या उन्हें अपने दुख पर काबू नहीं रहा. ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप, वह रोने लगे और उनकी आवाज़ रुंध गई. ही टच द फेस ऑफ हीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम के फेस को छुआ, अर्जुन के फेस को छुआ. एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मौन, जैसे कि वे निश्चल और शांत लेटे हुए थे. वाई दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आर वोज, क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत था. जस्ट वेन आवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड, हमारा जो अज्ञातवास था वह अंतिम चरण में था, अंत होने ही वाला था. यू हैव बीन टेकन अवे, और तुम्हें मुझसे छीन लिया. इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यहाँ तक कि देवताओं ने भी इस विपत्ति में मेरा साथ छोड़ दिया. एज ही लुक एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों के बलशाली अंगों को देखा. नाउ सो हेल्पलेस, अब वो कैसे थे, असहाय थे. ही सैडली वंडर्ड, उन्हें बड़े दुख से उन्हें आश्चर्य हुआ. हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, इतना शक्तिशाली कौन है जो इन्हें मार सके. देन ही टू डिसेंडेड इन टू पोल, और इसके पश्चात वह तालाब में उतरे. ड्रॉन द वाटर वाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अपनी प्यास बुझाने के लिए वह तालाब में उतरे. एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न, अचानक ही बिना शरीर की आवाज़ ने उन्हें चेतावनी दी. योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, आपके भाई भी इसीलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरी आवाज़ को, मेरी बात को नहीं सुना. दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए हुए पानी पीने की चेष्टा की. डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो. आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद अपनी प्यास बुझाओ. दिस पूल बिलोंग टू मी, यह तालाब मेरा है. बच्चों आज शुरुआत है, मैं आप सबसे कहूँगी कि आप, यह महाभारत से लिया गया है और महाभारत में युधिष्ठिर के सारे करेक्टर को दिखाया जा रहा है. आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी इस सीरियल को देखें, जिससे आपको युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन के इत्यादि के विषय में जानकारी मिलेगी. नेक्स्ट वीडियो में आपको, नेक्स्ट वीडियो का मेरे वेट करें आप. बच्चों मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास बुक है आप उसकी रीडिंग करें, वन टाइम टू टाइम. अगर बुक आपके पास नहीं है तो इस वीडियो को कई बार देखें तो आपको समझ में आ जाएगा. बुक्स मिल रही हैं, बालाजी की बुक्स चलेंगी, आप उसको ले सकते हैं. और एक रजिस्टर बना लें मोटा, जिस पर मैं जो आपको रिटन वर्क दूंगी उसको आप नोट करते चलें. अच्छा ठीक है बच्चों, तो फिर घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए. थैंक यू.